Hello everyone, I hope you all are good. Myself Rajat Singh, welcome to Engineers Adda guys. Guys, aaj ka question aapko screen pe dikhai de raha hai. The gross dia of a 14 mm nominal diameter rivet is. Rivet ka nominal diameter diya hua hai aur gross diameter aapse pucha hua hai. Fatafat iska answer kariye comment section mein aur bataiye mujhe ki iska answer kya hoga. Kal jo aapko question diya tha uska answer main abhi discuss kar deta hu. Kal ye question aapko diya tha maine. यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर वन मीटर स्क्वायर कन्वेंशनल ब्रिक साइज यहाँ पे दे रखा है और एज सोलिंग, यहाँ पे एज सोलिंग लिखा हुआ है. एज सोलिंग में ब्रिक की कौन सी डायमेंशन यूज होगी, ये वाली लार्जर डायमेंशन लेंथ होगी और ये वाली स्मॉलर डायमेंशन. इस तरीके से ब्रिक रखा होगा कुछ. यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ, देखिए आपको पता चल जाएगा ब्रिक किस तरीके से रखा गया होगा. ब्रिक जो है सरफेस पे नीचे जब रखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, जिसमें उसकी दो डायमेंशन यूज होंगी. कौन कौन सी, एक लेंथ होगी उसकी और एक उसकी स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो विड्थ है. ठीक है गाइज, तो ये वाली डायमेंशन आपको पता है, ये वाली 250 है और ये वाली 75 है. तो नीचे का अगर एरिया बात किया जाए तो 250 × 75 यही होगा इसका नीचे का एरिया. अगर नंबर ऑफ ब्रिक पूछ रहा है वन मीटर स्क्वायर के लिए तो वन मीटर स्क्वायर में उसका एरिया से डिवाइड करते हैं नीचे का जो एरिया आ रहा है, जो इंडिया में यूज करते हैं कन्वेंशनल साइज, ऊपर लिखा हुआ है साइज, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.25 × 0.075. इसको मीटर में एरिया कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 53 point something. 53 point, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले लेते हैं, 54 bricks. 54 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए जिन बच्चों ने आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट बोला था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए किया था, वो सबका आंसर करेक्ट है. आज का क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू.